नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक्स। जो ड्रग पुअरली वाटर सॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलती या घुलने में समस्या है, उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आज ये है कि हाउ टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बी फार्म, एम फार्म, बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। ये जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ये वो सब्जेक्ट है जो फार्मेसी के स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक्स, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्री फॉर्मुलेशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो स्टूडेंट्स हायर क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकाइनेटिक्स में हायर क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी। तो ये टॉपिक है जिसके कंसेप्ट हर स्टूडेंट को आने चाहिए, ताकि बाद में जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है या प्रोडक्ट बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, तो उसकी सक्सेस डिपेंड करती है जब वो बॉडी के अंदर पहुंचती है। ड्रग ड्रग बॉडी में कब पहुंचेगी, जब वो सॉल्युबल होगी। तो कौन सी टेक्निक्स हैं, देखते हैं वन बाय वन। देखिए, सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक्स पढ़ने के लिए पहले हम देखेंगे सॉल्युबल होता क्या है और सॉल्युबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपके जीवन में डेली काम आने वाली जो बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शुगर, चीनी, और दूसरा है सॉल्ट, मतलब नमक। जैसे आपने शुगर को पानी में डाला या सॉल्ट को पानी में डाला, आप क्या देखते हो, सॉल्युबल, मतलब चीनी और नमक वो सॉल्युबल है पानी के अंदर। और चूंकि वो सॉल्युबल है, डालते ही घुल जाते हैं। तो देखो लाइफ कितनी इजी है, क्या हुआ, ये आपने आनंद लेना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो शुगर हो चाहे वो सॉल्ट हो। तो एक तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल, और दूसरा ये है सामने आपके एग्जाम्पल। आप सोचिए, अगर शुगर और सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होता तो लाइफ कितनी टिपिकल हो जाती। तो लाइफ कितनी इजी, और आप आनंद ले रहे हो किसके पीछे, सॉल्युबिलिटी के पीछे, क्योंकि ये दोनों चीजें सॉल्युबल हैं तो काम आपके आसान हो गए। अब सवाल उठता है कि सर इसका ड्रग से क्या रिलेशन है, तो देखते हैं हम। भैया, हम बात कर रहे हैं ड्रग की, जो बीमारी ठीक करने के लिए डिजीज में काम आती है। तो ये जो ड्रग आप ले रहे हो, किस फॉर्म में ले रहे हो, ड्रग ली जाती है डोजेज फॉर्म में, चाहे वो इंजेक्शन हो, टेबलेट, कैप्सूल या और कोई भी। इस ड्रग को हम लेते हैं डोजेज फॉर्म में, तो ये सारे डोजेज फॉर्म ही तो हैं। अब जब पेशेंट इसको लेगा, मतलब कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब ड्रग डोजेज फॉर्म में ली जाएगी तो कहां पहुंचेगी, ये ब्लड के अंदर। और आपको ये याद रखना है कि ड्रग अपना एक्शन जब ही शो करती है जब वो ब्लड में आती है, मतलब ब्लड में आने के बाद ड्रग एक्शन अपना शो करती है। तो डोजेज फॉर्म से ड्रग कहाँ आ रही है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड में आने के लिए ये जो ड्रग, चाहे टेबलेट है, चाहे आपकी कैप्सूल है, या किसी भी फॉर्म में, अगर ब्लड में नहीं आई तो एक्शन क्या होगा, नहीं होगा। इसको थोड़ा और समझते हैं। सॉल्युबिलिटी को, कंसेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके सामने ये टेबलेट जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लेने के बाद बॉडी में जीआईटी में जाने के बाद ये पहले इस तरीके से टूटती है, उसके बाद इस फॉर्म में आती है और ये बॉडी में जाती है। इन अलग अलग स्टेप को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि टेबलेट लेने के बाद टूट गई, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के बाद ये और फाइन पार्टिकल से पहुंच गई, मतलब घुलना स्टार्ट हो गया, इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से क्या हुआ, ड्रग हैज कम इन सॉल्यूशन फॉर्म, ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में आ गई है, और सॉल्यूशन फॉर्म में आने के बाद एब्जॉर्ब हो गई, और एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग एक्शन मिला, मतलब जो ड्रग प्रेजेंट थी टेबलेट के अंदर उसका एक्शन आया, मरीज को रिलीफ मिला। लेकिन इस ड्रग को अपना एक्शन शो करने के लिए इन सारे स्टेप से गुजरना पड़ा। तो ये एब्जॉर्ब हुई ड्रग, मतलब यहां से बॉडी के अंदर आई, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग अपना एक्शन कब शो करेगी, जब वो एब्जॉर्ब होगी। अब आप देखिए एब्जॉर्प्शन कब हुआ, जब ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में आई। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि ड्रग अगर सॉल्युबल होगी तो एब्जॉर्प्शन होगा, वरना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में यही तो है, ड्रग आप किसी भी फॉर्म में दे दो, कोई सी भी ड्रग दे दो, अगर सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आई तो एब्जॉर्ब नहीं होगी और एक्शन नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एनी ड्रग टू बी एब्जॉर्ब मस्ट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। किसी भी ड्रग को अगर एब्जॉर्ब होना है तो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में आना ही पड़ेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ लो ओरल बायोबिलिटी आर ड्यू टू पुअर सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएशन।
अगर ड्रग सॉल्युबल नहीं है तो एक्शन नहीं आएगा, ये तो मैं बता चुका हूं। नहीं होने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ड्रग की बायोबिलिटी कम होगी। भैया बायोबिलिटी क्या है? इस टैबलेट के अंदर टोटल ड्रग जो बॉडी में जाती है उसे बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो अगर बायोअवेलेबिलिटी पुअर है वो किसकी वजह से है? क्योंकि ड्रग की सॉल्युबिलिटी नहीं है या कम है। तो यही तो हमने दूसरी स्लाइड में देखा था कि ये टॉपिक सिर्फ बी फॉर्म फर्स्ट ईयर ही नहीं, आपके अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और यहीं पर आपको आंसर मिल जाता होगा कि हाउ द सॉल्युबिलिटी अफेक्ट्स द बायोअवेलेबिलिटी ऑल्सो। तो सॉल्यूशन फॉर्म में आने के बाद ये ड्रग एब्जॉर्ब होगी और बायबल होगी। अब थोड़ा हम इसको और समझ, और भी फैक्ट्स जो आपका जानना बेहद जरूरी है सॉल्युबिलिटी से इंपॉर्टेंट। मोर देन 40% ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज डेवलप इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो नई दवाएं डेवलप हुई हैं रिसर्च के द्वारा या जो नई दवाएं मार्केट में आएंगी, 40% से ज्यादा पुअरली इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं या बहुत कम होती हैं। दिस पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग शो लेस एब्जॉर्प्शन लीड टू इनएडिक्वेट एंड वेरिएबल बायबिलिटी। ये जो कम घुलने वाली दवा है इनके एब्जॉर्प्शन कम है, मतलब बायबिलिटी भी कम होती है। इसके अलावा फॉर ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स सॉल्युबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर टू अचीव देयर डिजायर्ड कंसंट्रेशन इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सबसे ज्यादा ड्रग्स ली जाती हैं ओरल रूट से, जैसे टेबलेट कैप्सूल। अब यहां पर भी सबसे बड़ा बैरियर कौन सा है? सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ड्रग सॉल्युबल नहीं होगी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में नहीं आएगी और एक्शन शो नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ऑफ सॉल्युबिलिटी इज अ मेजर चैलेंज फॉर फार्माकोलॉजिकल साइंटिस्ट। तो समस्या पता लग गई होगी कि सॉल्युबिलिटी एक बड़ी समस्या है और ये एक बड़ा चैलेंज है किसके लिए? साइंटिस्ट के लिए, कि कैसे ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाया जाए। तो ये क्वेश्चन मार्क है कि इससे कैसे डील किया जाए। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि देर आर न्यूमरस अप्रोचेस और टेक्निक्स अवेलेबल टू एनहेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग। जो ड्रग पुअरली वाटर सॉल्युबल है, हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक हैं। देखते हैं टेक्निक्स फॉर सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट। हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है टेक्निक्स फॉर सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट में। यह है फिजिकल मॉडिफिकेशन। फिजिकल मॉडिफिकेशन में भी अलग अलग टेक्निक हैं, देखते हैं कौन कौन सी। पहली है माइक्रोनाइजेशन, नैनो सस्पेंशन, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइबेट लाइक पॉलीमॉर्फ्स अमॉर्फस फॉर्म एंड को क्रिस्टलाइजेशन, ड्रग डिस्पर्शन इन कैरियर्स लाइक यूटेक्टिक मिक्सचर्स, सॉलिड डिस्पर्शन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड क्रायोजेनिक टेक्निक्स। जो दूसरा कैटेगरी आती है वो है केमिकल मॉडिफिकेशन, मतलब ड्रग के अंदर केमिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है। चेंज ऑफ पीएच, ड्रग के आसपास का पीएच चेंज करना जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यूज ऑफ बफर, बफर यूज करते हैं ड्रग के साथ। डेरिवेटाइजेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, ये है केमिकल मॉडिफिकेशन। अब करते हैं तीसरी टेक्निक जो मिसलेनियस, मतलब जो अदर टेक्निक्स हैं उनकी बात हो रही है, वो कौन कौन सी हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रोसेस या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्निक, सर्फेक्टेंट, यूज ऑफ सर्फेक्टेंट, सॉल्युबलाइजर्स या हम कह सकते हैं यूज ऑफ सॉल्युबलाइजर्स, को सॉल्वेंसी टेक्निक, हाइड्रोट्रॉपी और लास्ट में आता है नोवल एक्सीपिएंट्स। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, हम देखेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट माइक्रोनाइजेशन टेक्निक की बात करें। माइक्रोनाइजेशन बना है माइक्रो से, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। तो ये वो टेक्निक है जिसके अंदर बड़े पार्टिकल्स रखे हैं जो माइक्रोन साइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो माइक्रोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बिग साइज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल साइज पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोन साइज। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं उनको छोटे साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और छोटे साइज के पार्टिकल वो माइक्रोन साइज के हैं, मतलब बहुत छोटे हैं। स्मॉल पार्टिकल साइज रिजल्ट्स इन इंक्रीज सरफेस एरिया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से। यह है आपके सामने बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं। हम बात कर रहे हैं माइक्रोनाइजेशन टेक्निक की। तो जैसे ही माइक्रोनाइजेशन टेक्निक आपने अप्लाई किया, पार्टिकल्स छोटे हो गए। छोटे होने से क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ते ही क्या है, पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। बात करते हैं ड्रग्स की। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज बाय माइक्रोनाइजेशन, ऐसे एग्जाम्पल्स जिसके अंदर माइक्रोनाइजेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, वो ड्रग्स हैं ग्रीसियोफलविन, प्रोजेस्टेरॉन,
स्पाइरोनोलैक्टोन एंड फिनोफाइब्रेट। फॉर ईच ड्रग मेंशन अबाउ माइक्रोनाइजेशन इंप्रूव्ड सॉल्युबिलिटी एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर बायोबिलिटी एंड क्लिनिकल एफिकेसी। ये देखा गया है कि ये जो चारों ड्रग आपके सामने हैं, इसका माइक्रोनाइजेशन करने से उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, एब्जॉर्प्शन बढ़ गया और उनकी बायोबिलिटी और उनका जो असर है वो भी बढ़ गया। अब बात करते हैं अगली टेक्निक की। देखिए नैनो सस्पेंशन देखते हैं अब नेक्स्ट टेक्निक। नैनो का मतलब होता है बहुत छोटा, तो नैनो सस्पेंशन ये वो सस्पेंशन है जिसमें पार्टिकल्स नैनो साइज के होंगे। तो लेट अस सी डेफिनेशन और डिटेल्स। नैनो सस्पेंशन इज सब माइक्रोन कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ ड्रग पार्टिकल्स। ये डिस्पर्शन है ड्रग पार्टिकल्स का जिसमें पार्टिकल्स किस साइज के हैं, सब माइक्रोन साइज के हैं। पहले तो हमने देखा था माइक्रोनाइजेशन टेक्निक, अब और छोटे हैं पार्टिकल्स इसमें। डेफिनेशन के हिसाब से अ फार्मास्यूटिकल नैनो सस्पेंशन इज डिफाइंड एज वेरी फाइनली कोलाइड बाइफिजिक डिस्पर्स सॉलिड पार्टिकल्स इन एन एक्वस व्हीकल अ साइज बिलो 1 माइक्रोमीटर स्टेबलाइज्ड बाय सर्फेक्टेंट एंड पॉलीमर्स। जो फार्मास्यूटिकल नैनो सस्पेंशन है ये बहुत फाइन कोलाइड होता है, बाइफेजिक होता है जिसके अंदर पार्टिकल डिस्पर्स है एक्वस व्हीकल के अंदर, जिसकी साइज 1 माइक्रोमीटर से भी कम है और साथ में उसको स्टेबलाइज किया गया है सर्फेक्टेंट या पॉलीमर से। अगर डायग्राम देखें तो ये बड़े पार्टिकल्स हैं, हमने किसी टेक्निक से जैसे यहां पर यूज किया है अल्ट्रासोनिफिकेशन से या अल्ट्रासोनिकेशन से क्या हुआ, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हो गए और आपका जो प्रोडक्ट बना है ये नैनो सस्पेंशन, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटी है तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स हुज सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज बाय नैनो सस्पेंशन, वो ड्रग्स जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई इस टेक्निक से, एग्जाम्पल है कार्बामाजेपिन, एजिथ्रोमाइसिन, कीटोप्रोफेन। इस टेक्निक में आपको पॉलीमॉर्फ्स यूज करने हैं, हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फ्स टेक्निक्स की। पहले हम देखेंगे पॉलीमॉर्फ्स क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इट इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू ऑकर इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ। एक ड्रग अगर एक से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और जो अलग अलग फॉर्म होते हैं ये फॉर्म कहलाते हैं पॉलीमॉर्फ्स। अब बात होती है कि क्रिस्टल का क्या मतलब हुआ, ये तो है क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो क्रिस्टल इज अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर अरेंज इन अ हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल लैटिस। क्रिस्टल क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को मॉलिक्यूल्स या आयन्स को अपने आप में प्रदर्शन करना। आपको डायग्राम से समझ में आएगा, जैसे शुगर के अपने क्रिस्टल होते हैं, आपने देखा होगा शुगर के क्रिस्टल अलग होते हैं, नमक के क्रिस्टल अलग हैं, तो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल होते हैं, उनकी अरेंजमेंट अलग है। जैसे अगर बात करें इसके अंदर एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज है, ये इस तरीके से अरेंज है, ये इस तरीके से अरेंज है, तो ये अलग अलग तरह के क्रिस्टल हैं। और एग्जाम्पल समझने के लिए जैसे शुगर, शुगर के क्रिस्टल इस तरीके से हैं। दूसरा है कैफीन, कैफीन के क्रिस्टल हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्रिस्टल से फर्क क्या पड़ा भैया, ये वाला क्रिस्टल, ये वाला क्रिस्टल, ये वाला क्रिस्टल, एक ही ड्रग के अलग अलग क्रिस्टल हैं और अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होना ही कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो क्रिस्टल हैं ये एक दूसरे से अलग हैं। किस तरीके से अलग हैं कि दीज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ अ ड्रग डिफर इन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक डिसोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। ये जो क्रिस्टल्स फॉर्म है ये अलग अलग एक दूसरे से कैसे, इनकी घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी भी अलग है, डिसोल्यूशन भी अलग है, केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, इनकी केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी भी अलग है, फ्लोएबिलिटी एंड हाइग्रोस्कोपिटी, इनकी फ्लोएबिलिटी और हाइग्रोस्कोपिसिटी भी अलग अलग है। और देखते हैं जैसे एग्जाम्पल क्लोरामफेनिकोल पामिटेट एग्जिस्ट इन 3 पॉलीमरिक फॉर्म्स ए बी एंड सी। एक एंटी माइक्रोबियल है क्लोरामफेनिकोल पामिटेट जो 3 फॉर्म में अवेलेबल रहता है ए बी एंड सी। फॉर्म बी इज द मोस्ट सॉल्युबल, इन 3 में से बी फॉर्म सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, दस मोर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन फॉर्म शुड बी प्रिफर्ड। तो एक ड्रग के अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म अवेलेबल हैं तो आपको क्या करना है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म यूज करना है जो ज्यादा सॉल्युबल हो। जैसे इस केस के अंदर क्लोरामफेनिकोल जो बी फॉर्म है उसको सबसे ज्यादा प्रिफर किया जाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल, कार्बामाजेपिन अकर्स इन 4 डिफरेंट एनहाइड्रस पॉलीमॉर्फ्स दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये एक और ड्रग है कार्बामाजेपिन
जिसके चार अलग अलग एनहाइड्रस पॉलीमॉर्फ हैं। ये रहा आपके सामने एग्जांपल, ये चार अलग अलग फॉर्म है और इन सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब हम बात कर रहे हैं अगली टेक्निक अमॉर्फिज्म, जिसमें हमें अमॉर्फस फॉर्म यूज करना है ड्रग का। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म होता है वैसे ही अमॉर्फिज्म है। तो अमॉर्फिज्म में क्या चीज है कि अमॉर्फस ड्रग्स आर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेफिनेट लैटिस पैटर्न। जैसे हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म में आयंस मॉलिक्यूल एटम एक डेफिनेट अरेंज होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये रहा डायग्राम आपके सामने। हम कंपेयर करते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म की। एटम्स आर अरेंज इन एन ऑर्डरली फैशन एंड एवरी पार्ट इज द सेम। यह क्रिस्टलाइन बिल्कुल डेफिनेट अरेंजमेंट है, लेकिन अमॉर्फस फॉर्म इसमें एटम्स अरेंज रैंडमली, एवरी पार्ट नॉट द सेम। ये अलग है, ये अलग है। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म में। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स जो अमॉर्फस फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे क्विनोप्रिल, जैसे सल्फ्यूरोक्सामिन एक्सेटिल। अब सवाल उठता है कि ये अलग अलग अरेंजमेंट या जो रैंडम अरेंजमेंट नहीं है, अमॉर्फस फॉर्म में अरेंजमेंट अलग है क्रिस्टलाइन फॉर्म से, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे फर्क ये पड़ने वाला है कि अमॉर्फस फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज मोर सॉल्युबल देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अमॉर्फस फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज्यादा सॉल्युबल है। तो अगर कोई ड्रग अमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल रहती है तो आपको क्या करना है? अमॉर्फस फॉर्म को यूज करना है, क्योंकि अमॉर्फस फॉर्म ज्यादा सॉल्युबल है। हेंस अमॉर्फस फॉर्म इज प्रिफर्ड। अब हम बात करेंगे को क्रिस्टल्स की। देखो नाम से पता लग रहा है को का मतलब साथी, क्रिस्टल्स मतलब क्रिस्टल्स बनेंगे दो चीजों के साथ साथ। तो समझते हैं, को क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स दैट फॉर्म अ यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैविंग यूनिक प्रॉपर्टी। को क्रिस्टल दो कॉम्पोनेंट से बनके बनेंगे, जिसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी होगी और एक अलग ही स्ट्रक्चर होगा, यूनिक स्ट्रक्चर होगा। फार्मास्यूटिकल को क्रिस्टल्स कैन एनहेंस द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स सच एज मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड बायबिलिटी। को क्रिस्टल्स किसी भी दो कॉम्पोनेंट के बनते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, सॉल्युबिलिटी अलग होती है, स्टेबिलिटी और बायबिलिटी भी अलग होती है। मतलब अगर कोई ड्रग है ए, उसकी सॉल्युबिलिटी है कम, उसको अगर किसी दूसरे के साथ को क्रिस्टल बनाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी को क्रिस्टल की। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रो क्रिस्टल्स ऑफ एंटी ट्यूमर ड्रग 6 मर्केप्टोप्यूरिन विद निकोटिनामाइड शो 2 टाइम्स हायर डिसोल्यूशन एज कंपेयर टू प्योर ड्रग। अगर हम 6 मर्केप्टोप्यूरिन ड्रग की बात करें जो एंटी कैंसर ड्रग है, इसका अगर को क्रिस्टल बना दिया निकोटिनामाइड के साथ तो 6 मर्केप्टोप्यूरिन की डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई। तो हमने देखा प्योर ड्रग से ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी? को क्रिस्टल्स की। अब को क्रिस्टल कैसा होता है थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए ये है, हमने कोशिश की है समझाने की कि को क्रिस्टल्स कैसे बनता है। तो ये है ड्रग, ये प्योर ड्रग का स्ट्रक्चर है, और ये साथ में हमने को फॉर्मर का मतलब ड्रग के अलावा जिस चीज के साथ हम को क्रिस्टल्स बनाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो कैसा बना? ये रहा को क्रिस्टल्स, को फॉर्मर पर इसके अंदर अरेंज हो गया, ये ड्रग यहाँ पर है, ये क्रिस्टल पहले ऐसा था, अब क्रिस्टल ऐसा बना क्योंकि अब ये को क्रिस्टल है। और ओवरऑल बात करें तो इस को क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई है, हेंस को क्रिस्टल्स आर प्रिफर्ड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेक्निक, जिसका नाम है सॉलिड डिस्पर्शन। भैया डिस्पर्शन का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज के अंदर डालना, लेकिन यहां पर सॉलिड है तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इट इज अ डिस्पर्शन ऑफ वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये डिस्पर्शन है जिसमें एक से या एक से ज्यादा चीजें होंगी जो हाइड्रोफोबिक और वाटर इनसॉल्युबल ड्रग होंगी। अब ये डिस्पर्शन किसमें है? इन एन इनर्ट कैरियर विच इज हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल। तो एक ड्रग को या एक से ज्यादा ड्रग को मैंने डाल दिया एक कैरियर के अंदर जो पानी में घुलने वाला है। एट सॉलिड स्टेट प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग मेथड सॉल्वेंट और मेल्टिंग सॉल्वेंट मेथड। मतलब इसको डाल दिया, उसमें अलग अलग टेक्निक यूज की, जैसे ये वाली, जैसे ये, और जैसे मेल्टिंग सॉल्वेंट मेथड। व्हेन द सॉलिड डिस्पर्शन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एक्वस मीडियम द इनर्ट कैरियर डिसॉल्व्स एंड द ड्रग इज रिलीज अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। जब भी सॉलिड डिस्पर्शन को पानी में डाला जाता है या पानी के कांटेक्ट में आता है, ये जो इनर्ट कैरियर है जो वाटर सॉल्युबल है ये घुल जाता है
और ड्रग भी रिलीज हो जाती है जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फाथाइजोल, ये एक ड्रग है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग है सल्फाथाइजोल, जिसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई किससे? सॉलिड डिस्पर्शन से। इट इज इंक्रीज बाय फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड डिस्पर्शन विद यूरिया एज इनर्ट कैरियर। और यहां पर हमने कौन सा कैरियर यूज किया? यूरिया। तो इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से। देखिए ये है ड्रग, ड्रग को मैंने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग पार्टिकल्स हो गए, और ये है आपका पॉलीमर, जैसे हमने देखा अभी यूरिया था, हमने इन दोनों को मिला लिया, मतलब ट्रिचुरेट कर लिया, और ये क्या बन गया? सॉलिड डिस्पर्शन। इस सॉलिड डिस्पर्शन में आप देखो ड्रग भी है और साथ में ये पॉलीमर भी है। ये पॉलीमर है वाटर सॉल्युबल और ये ड्रग है आपकी वाटर इनसॉल्युबल, लेकिन जब भी इसको पानी में डालेंगे या पानी के कांटेक्ट में आएगा, चूंकि पॉलीमर सॉल्युबल है तो इस ड्रग को भी सॉल्युबलाइज कर देगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस सॉलिड डिस्पर्शन इज हैविंग इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड डिस्पर्शन से जो ड्रग पुअरली वाटर सॉल्युबल है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जा सकती है बाय यूजिंग वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स। तो यह है आपकी सॉलिड डिस्पर्शन टेक्निक। बात करते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर्स। अब यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या है? ये रहा आपके सामने। अ सिंपल यूटेक्टिक मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू ड्रग्स इन अ डेफिनेट रेशियो। यूटेक्टिक मिक्सचर एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो ड्रग्स हैं और वो एक निश्चित रेशियो में है, निश्चित अनुपात में है। फॉर्मेशन ऑफ यूटेक्टिक्स एनहेंसेस द ड्रग डिसोल्यूशन रेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर्स, सॉलिड सॉल्यूशंस, इंटरफेशियल डिसऑर्डर्स और मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन। इस मिक्सचर में ऐसा क्या होता है कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई जब आपने दो ड्रग को मिला दिया एक साथ? तो जब यूटेक्टिक सब्सटेंस बनते हैं इसके वजह से डिसोल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाते हैं, इंटरफेशियल डिसऑर्डर हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से। ये रही मेरे सामने एक ड्रग, मैंने उसको दूसरी ड्रग के साथ ले लिया और मैं उसको मिक्स करने का काम कर रहा हूं। मैंने दोनों को डाल दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद क्या हुआ, मैं ये चीज देखता हूं आपके सामने। ये जो नई चीज बनी जिसका डोजेज फॉर्म बनेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो यूटेक्टिक मिक्सचर में क्या है, दो ड्रग को मिलाता हूं जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है वो एक डेफिनेट रेशियो में होते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग कैन बी इंक्रीज, और जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, बायोबिलिटी बढ़ जाएगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्रायोजेनिक टेक्निक। क्रायो का मतलब होता है बहुत कम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, तो वो टेक्निक जिसमें लो टेम्परेचर की मदद से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्ड अमॉर्फस ड्रग पार्टिकल्स विद हाई डिग्री ऑफ पोरोसिटी एट लो टेम्परेचर। तो क्रायोजेनिक टेक्निक में क्या होता है, एक नैनो स्ट्रक्चर्ड अमॉर्फस ड्रग पार्टिकल बनेगा, और हम जानते हैं अमॉर्फस फॉर्म की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, और ये जो फॉर्म बनेगा इट इज हैविंग हाई डिग्री ऑफ पोरोसिटी, उसके अंदर पोरोसिटी ज्यादा होती है। अभी हम देखेंगे डायग्राम की मदद से। प्रोडक्ट ऑफ दिस टेक्निक कैन बी सब्जेक्टेड टू वेरियस ड्राइंग प्रोसेस लाइक स्प्रिट फ्रीज ड्राइंग, एटमोस्फेरिक फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग एंड लियोफिलाइजिंग टू प्रोड्यूस ड्राई पाउडर। ये जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट को अलग अलग टेक्निक से भी हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे फ्रीज ड्राइंग, एटमॉस्फेरिक फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग एंड लियोफिलाइजेशन, जिसके वजह से क्या होगा, ड्राई पाउडर बनता है और ड्राई पाउडर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। इस तरह से डायग्राम समझते हैं हम कि ये देखो ड्रग है आपकी, ये ड्रग है आपकी नॉन पोरस जिसमें छिद्र नहीं है और उसकी सॉल्युबिलिटी बेकार है अभी, मतलब पुअरली वाटर सॉल्युबल है। हमने क्रायोजेनिक टेक्निक से क्या हुआ, इस ड्रग को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पोरस ड्रग के अंदर छिद्र है, पहले सॉल्वेंट अंदर नहीं जा सकता था लेकिन अब सॉल्वेंट अंदर जा सकता है, तो चूंकि ड्रग पोरस हो गई इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई, और जो ड्रग बनी है ये बिल्कुल फाइन ड्राई फॉर्म में बनी है जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं बाय यूजिंग क्रायोजेनिक टेक्निक द पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी कैन बी इंक्रीज इनटू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। जो ड्रग पुअरली वाटर सॉल्युबल थी उसको हाईली वाटर सॉल्युबल बना दिया गया है। सो डियर फ्रेंड्स, हम एंड करते हैं पार्ट वन ऑफ सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही पार्ट टू रिलीज होता है आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।